अमेठी में सीएम योगी का प्रचार प्रसार लगातार जारी है और वहीं स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी भी मंच पर मौजूद और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी का विपक्ष पर हमला और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने वो आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, आईआईटी, आईएम, एम्स, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात जो एक पाकिस्तान का राग लाप रहे हैं ना, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से उभारा है जितना पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा लोग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे भारत के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। यह है नया भारत, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ परिवारों को, 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय, और 4 करोड़ गरीबों को घर, 1,14,000 तक के लिए अमेठी में बन गए। क्या कर रहे थे कांग्रेसी खानदान, क्या कर रहे थे लोग, यहां के गरीबों को मकान नहीं दे सकते थे, यहां के घरों में पानी नहीं पहुंचा सकते थे, नारी गरिमा के प्रति शौचालय नहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही रटता जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे, उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, सर्वे करा करके, और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए, जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा, कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना, आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे, ये इनका विरासत टैक्स है। यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आप पर लगाना चाहती है, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे, क्या अपनी संपत्ति का बंदरबांट करने देंगे, क्या कांग्रेसियों को गुंडागर्दी करने की छूट देंगे, क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक खतरनाक इशारा और करता है, कितना खतरनाक इनके मंसूबे हैं। इनके मंसूबे तो देखो क्या कर रहे हैं देश के लिए लोग। इन्होंने जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी इन्होंने करने का प्रयास किया था, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर इन्होंने सेंध लगाने का प्रयास किया था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, हम लोगों ने कई दिनों तक संसद में विरोध किया, कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने क्या किया था यूपीए सरकार के समय, पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की और कमेटी ने क्या संस्तुति की, उस कमेटी ने कांग्रेस के नेताओं के कहने पर एक संस्तुति दी कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि तो बाबा साहब की भावना के विपरीत है, संविधान के भावना के विपरीत है, ये नहीं होने देंगे।
भारी विरोध हुआ, उसको नहीं ला पाए। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इन्हें लगा कि धार्मिक आधार पर तो ये नहीं दे सकते, तो इन्होंने बैक डोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का प्रयास किया। इसका भी विरोध किया गया, और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब इन लोगों के मनसूबे पर पानी फिरा। अब कांग्रेस फिर से कहती है जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों को आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ाने के बाद फिर कहेंगे कि भाई आप तो अपना पहले झगड़ा फरियाइए, और फिर आपस में झगड़ा लगा करके आपके आरक्षण को ये लोग फिर बांटेंगे। कोई मुसलमान को देगा, कोई किसी और को देगा, और फिर बंदर बांट करके आपसे कहेंगे कि भाई आपने तो झगड़ा था इसलिए हमने आपका दे दिया, और फिर भारत के नए विभाजन की नींव तैयार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या बहनों और भाइयों, इनके मैनिफेस्टो में एक खतरनाक बात और देखने को मिली। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है अगर इनकी सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। कौन सा ऐसा खान पान है जी जो बहुसंख्यक को ना पसंद हो और अल्पसंख्यक को पसंद हो? बहनों और भाइयों, रोटी सब खाते हैं, चावल सब खाते हैं, खिचड़ी सब खाते हैं, खीर सब खाते हैं, फल भी सब खाते हैं, लेकिन एक जगह आके ठहर जाता है। जब मुसलमान को मांस की तरफ जाता है तो हिंदू उसका विरोध करता है, कहता नहीं ये नहीं स्वीकार होगा। कांग्रेस अब गौ हत्या को भी प्रश्रय देगी। क्या आप इस पाप को स्वीकार करेंगे? क्या अमेठी इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या कांग्रेस के मंसूबे पूरे